अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जनाब, ये मैंने ना कुछ दो चार दिन पहले की बात है, मैंने ये ऑर्डर की थी और इसको ना मैंने फ्रिज में लगाने के लिए लगाया, मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने वैसे ट्रांसपेरेंट कलर जो है ना वो देख रही थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, फिर ये कलर्स वाली पड़ी थी, फिर मैंने सोचा मैं तीनों ही ले लेती हूँ तो इसको लगाएंगे फ्रिज में। वैसे आप इसको अपनी किचन के कैबिनेट और वार्डरोब वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो है ना इसको जिस पर्पज के लिए यूज किया ना वो मैं दिखाती हूँ। ये जो है ना फ्रिज देखिए, यहाँ से ये मैंने सारा क्लीन कर लिया तो इस जगह पे ना ये वाली जो जगह है इन पे मैं बस जो है ना यहाँ पे ये लगाऊंगी शीट्स, तो इससे जो है ना वो काफी ज्यादा जो है ना वो इजी हो जाता है ऑर्गेनाइज करना भी चीजों को, ऑर्गेनाइज करना सॉरी कह रही हूँ, तो इससे आसानी हो जाती है। ये जो चीज़ है ना, ये जो शीशा लगा हुआ है ये गंदा भी नहीं होता, आप उसको जो ये जो है ये वॉशेबल है, आप इनको निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। सेम ऊपर भी ऐसे ही लगाऊंगी और नीचे भी, और बाकी जो ये वाली जो साइड्स है ना इस पे नहीं लगाऊंगी। तो अभी मैं सारा जो है ना इसको मैं सेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा इसको ना मैं निकाल के मेजरमेंट करती हूँ, इस तरीके से अगर लगाएंगे ना तो ये देखें ये आएगी नहीं। इसको क्या करना है, सिंपली दूसरी तरह से इस तरह से इसको लगा के मैं इसको मैं कटिंग करती हूँ, कटिंग करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जनाब, ये मैंने जो है ना इसकी कटिंग कर ली है, ये देखें एक दो तीन, एक वो अलमीर के पास है चार, और इसका क्या है जी इसमें से ना अब ये जो साइज है ना इसकी दो एक एक शीट जो है ना और बनेगी, मतलब दो दो बन गई है, इसी साइज की एक और बनी है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ना एक बचा हुआ है पीस, तो दो बन जाती है इजीली। और ये पूरा जो रोल है ना ये इसका अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं 40 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 150 सेंटीमीटर जो है ना वो इसकी जो मेजरमेंट वगैरह होता है ना वो है। और एक रोल की जो प्राइस है वो जो मुझे ये मिला है ये 500 रुपये में मिला है, तो मेरे पास तीन थे जैसा कि 300 मुझे 1500 में मिले हैं। ठीक है, और इसमें से फ्रिज के साइज कुछ के छोटे भी होते हैं, मेरी फ्रिज का जो साइज है ना वो जरा बड़ा है, तो इसलिए उस इनमें क्या हुआ है कि ये जो साइज है ना थोड़ा सा बड़ा है। और दूसरी बात, यहाँ से इसकी थोड़ी थोड़ी सी जो है ना आगे से भी कटिंग होगी, और बाकी मैं आपको अभी फ्रिज में लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैं अब आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ, एक मिनट, ऐसे ये देखिए, ये मेरे पास तीन रोल थे, एक ये ग्रीन कलर में था, एक पिंक में था, एक ऑरेंज कलर में था, और फिर एक और कटिंग मैंने अगेन इसकी जो ग्रीन कलर का था ना उसकी करते। ठीक है, अब इस ये वाले जो रोल है ना, अब ये जो दो लगे हैं एक और ये खत्म हो गया, इसमें और नहीं बचा, बाकी ये वाले जो हैं ये दो क्योंकि ये अभी एक एक लगे हैं तो इसके साथ के ना अभी एक एक और है कि मतलब एक जगह पे और लगा सकते हैं, तो मैं ये और ये दो जो बच गए ना मैं ऊपर लगाऊंगी। अभी फिलहाल ऊपर जो है ना फ्रिज में मैंने नहीं लगाया, मैंने सिर्फ फ्रिज में लगाया है। इस साइड पे मेरा लगाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे जो लगाए हैं ना इनकी जो ये लंबाई तो ठीक थी, जो चौड़ाई थी ना वो यहाँ तक थी, यहाँ तक, तो फिर मैंने उसको यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद ये वो चीजें हैं जो बची हैं, एज इट इज मैंने ये यहाँ पे लगा दी, ये देखे जी। ठीक है, ये देखें नीचे भी लगा दी। और दूसरी चीज इसके अंदर ठीक है, और दूसरा ये वाला जो था ना ये भी फुल लंबे साइज में था, और इसको मैंने कट करके सेंटर से मैंने सीजर से कट कर दिया, और एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया, और ये देखिए इस तरीके से जो है ना ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और दूसरी बात, ये वाले जो है ना इन जगहों पे मैंने नहीं लगाया, सोच रही हूँ लगाऊं या ना लगाऊं, आप लोग भी जरूर कमेंट में बताइएगा किस जगह पे भी लगाऊं या ना लगाऊं। बाकी ऊपर वाली लुक आप देखें कितनी प्यारी लग रही है, पता नहीं मुझे लग रही है। फ्रिज में तो लग गया, और फ्रीजर में लगेंगी, ये देखें ये दो चीजें, अभी इसके अंदर थोड़ा सा सामान पड़ा है इसलिए मैं लगा नहीं रही, तो बाद में लगाऊंगी। फिलहाल ये देखें ये लग गया इसकी पूरी जो है ना, अब इसके अंदर मैं सारी जो चीजें है ना मैं वो रखती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल आखिरी जो टच है ना मैं वो दिखाती हूँ। तो जी ये देखें थोड़ी बहुत चीजें जो है ना वो मैंने अभी रख दी हैं, बाकी अभी सारी वो पड़ी हैं वो भी रखूंगी। इन्होंने इतना तंग किया हुआ है ना इस टाइम, कोई काम नहीं करने दे रहे, बट मैं पहले बंद करने लगी थी, फिर सोचा चले फाइनल लुक इसकी भी दिखा दूं। इस तरीके से देखें चीजें रखी भी अच्छी लग रही हैं। हंजरा प्लीज पीछे हो जाओ,
यार बच्चों के साथ काम करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है ना, मैं घंटे से इनको सुला रही थी सो जाए नहीं सोए। तो खैर फाइनली जी ये फाइनल लुक आप इस तरीके से देख सकते हैं। अभी मजीद जो इसके अंदर है ना सारी चीजें रखेंगे तो फ्रिज भी जरा फुल हो जाएगा ना, तो मजीद अच्छा लगेगा। अब इसको करते हैं जी बंद, हंजरा बंद करने दो प्लीज। अब इसको करते हैं जी बंद। अब यहाँ पे ये काम चेक करें, यहाँ पे अंडे रखे थे, ये अंडा तोड़ दिया ठीक है, और ये फ्रिज के अंदर सारी चीजें रखी थी, सारी शीट्स निकाल के बाहर रखती। अब ये साहबजादे एक चीज निकालते हैं बाहर रख देते हैं, ये कह रहा है यार यार बस बस बंद कर दो, बंद करो इसे, दोनों भाई बंद कर दो, चलो आ जाओ, चलो बस आ जाओ। अभी यहाँ पे किचन में जी मैंने रखी हुई है पकने के लिए खीर, अभी मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ। ये है जी मेरा रैक जो मैंने किचन के लिए ऑर्डर किया था नीचे, क्योंकि काफी जो है ना इसे स्पेस जो है ना वो बढ़ जाती है। ये कुछ बर्तन निकाले हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिस्प्ले करके दिखा दूं। इसको इजीली जो है ना ये देखें इस तरीके से, एक दो इस सेंटर में भी इसको इधर करके, यहाँ पे भी कोई बर्तन रखना चाहिए वो भी रख सकते हैं। फिर ये नीचे वाला हिस्सा आ गया, इसका अगर ऊपर से बनना हो ये देख इस तरीके से ये रखा जा सकता है यहाँ भी और सेम नीचे भी। इससे पता क्या होता है काफी ज्यादा जो स्पेस है ना वो बच जाती है, जगह मिल जाती है काफी आसानी से और रखने में भी। अब बस मैं किचन को ये नीचे से थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं इसको किचन में सेट करके सारे बर्तन जो है ना ये मैं वहां पे लगाऊंगी। जनाब मैंने सोचा जल्दी जल्दी लगा के दिखा दूं, फिर निकाल के यहाँ से ये देखिए अभी ये सारा साफ करने वाला है, शीट भी छाऊंगी यहाँ पे, लेकिन फिलहाल मैंने सोचा आप लोगों को अंदर से किचन में भी लगा हुआ दिखा दूं। ये देखिए ऊपर मैंने प्रेशर कुकर रखा हुआ है, कढ़ाई है और आटा है, बेलन है और नीचे बस टोकरियां वगैरह जो है, और ये स्ट्रेनर रखा हुआ है। ये देखिए कितनी ज्यादा जो स्पेस है ना वो बच जाती है, वरना ये सारी चीजें ऊपर नीचे बिखरी हुई रहती है। और टू गुड यार, ये इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना, ये ऑर्गेनाइजर्स वगैरह जो होते हैं ये जिंदगी को सच में आसान कर देते हैं। तो ये देखें अच्छा खासा इसका जो सामान है ना वो, बाकी अपनी मर्जी से इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, मैं भी इसके अंदर चेंजिंग करती रहूंगी। फिलहाल मेरे पास जो जो चीजें बड़ी थी यहाँ पे मैंने आप लोगों को रख के दिखा दी, और ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। और अगर आप लोग इसकी प्राइस पूछेंगे ना तो ये मैंने लिया था 2000 में, और डिलीवरी चार्जेस आई थिंक इसके 300 थे, तो वो बाकी और भी सारी चीज़ें थी इसलिए मुझे डिलीवरी चार्जेस सेपरेट इसका नहीं पता, सारी चीज़ें थी तो उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस जो थे ना वो भी इंक्लूड थे। तो बस ये था जी मेरा किचन का ऑर्गेनाइजर।